हरियाणा में एक नया राजनीतिक गठबंधन सेट हुआ है। जी हाँ, गठबंधन जेजेपी और बीएसपी के बीच हुआ है, लेकिन ये हुआ कुछ इस अंदाज में कि किसी को पहले इसकी कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। गठबंधन के ऐलान से पहले तक तो हरियाणा में बसपा के नेता इस बात से अनजान थे, लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक एंगल तो ये है कि इस गठबंधन ने कितने कयासों को तोड़ डाला है। सवाल ये भी है कि कितनी सीटों की शर्त पर और क्यों ये गठबंधन पनवान चढ़ा, और सवाल ये भी है कि क्या ये गठबंधन सत्तारूढ़ दल के सामने खुद को बड़ा चैलेंजर साबित करने का मादा रख भी पाएगा या फिर नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले इंडियन नेशनल लोकदल, फिर LSP और अब JJP। हाथी वाली हमारा मतलब है, बसपा वाली मैडम माया खुद के लिए हरियाणा का सियासी फाटक खोलने के लिए JJP की चाबी का इस्तेमाल करना चाहती हैं। और लगभग एक साल के भीतर ही दो दलों से दोस्ती तोड़ चुकी BSP ने अब JJP के साथ हाथ मिला लिया है। BSP से गठबंधन का मौका मिलते ही JJP ने उस मौके को लपक लिया। लोकसभा चुनाव में हुए हश्र के बाद और वोट बैंक की राजनीति में मात खाने के बाद दोनों ही दल किसी सहारे की तलाश में थे। खासतौर से विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर JJP से आम आदमी पार्टी के किनारा करने के बाद JJP अकेली सी पड़ गई थी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से JJP के हौसले भी पस्त हो चले थे। ऐसे में BSP से हाथ मिलाकर दोनों दल एक दूसरे को पूरी मजबूती देने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर JJP को किसी गठबंधन मित्र की कितनी जरूरत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद JJP जहां 90 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं अपने गठबंधन के साथी बसपा को वो 40 सीटें देने के लिए रजामंद हो गई है। वैसे JJP और बसपा के बीच हुए इस गठजोड़ ने हरियाणा के राजनीतिक विचारकों को कुछ हद तक चौंकाया भी है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि बसपा हुड्डा की नई संभावित पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी, जबकि इस बात के तो कोई संकेत ही नहीं थे कि भीतरखाने BSP के साथ JJP की खिचड़ी पक रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि खुद हरियाणा में BSP के नेताओं को इस गठबंधन की पहले कानो-कान कोई खबर नहीं थी। खैर, इस गठबंधन के बाद अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। जीत बाई इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा की राजनीति में कुछ महीने पहले ही जन्मी JJP के लिए ये पहला पूर्ण विधानसभा चुनाव होगा जिसमें वो मुकाबले के लिए उतरेगी। वहीं BSP हरियाणा में है तो पुरानी खिलाड़ी, पिछले विधानसभा चुनाव में उसने एक सीट जीती भी थी। इसके बावजूद वो प्रदेश के वोट बैंक में करीब 4-6% के हिस्सेदार रहती आई है। हालांकि अब की बार बेशक हरियाणा के आम मतदाताओं का मूड एक तरफा परखा जा रहा है, लेकिन फिर भी JJP और बसपा की जोड़ी खुद को एक बड़े चैलेंजर के तौर पर तैयार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस दिशा में दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश भर में जन चौपाल अभियानों को भी तेज कर रखा है, जिसके जरिए वो JJP के पक्ष में हवा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि JJP हरियाणा के किन 50 सीटों पर अपनी चुनावी गोटियां फिक्स करने जा रही है। इसे लेकर हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने ये संकेत जरूर दिया है कि मोटे मोटे तौर पर दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। दोनों दल मिलकर एक बड़ी संयुक्त रैली भी करने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला ने रैली का वक्त 25 सितंबर को मुकर्रर किया है। ये वो दिन होगा जब एक मंच पर एक साथ JJP और बसपा मिलकर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे, और ये वही दिन होगा जब से ठीक एक साल पहले इनेलो में दरार आई, जिससे आगे चलकर JJP अस्तित्व में आई थी। इस एक साल के दौरान JJP खुद को कितनी मजबूत साबित कर पाई, प्रदेश की राजनीति में कितनी माहिर खिलाड़ी बन पाई, उसके राजनीतिक कौशल की परीक्षा इसी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। राजनीति डेस्क, जनता TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।